और हरीश रावत सरकार राज्य में जिस तरह के दोहरे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है उससे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ सरकार तंगहाली का रोना रोती है, सरचार्ज बढ़ाती है और दूसरी तरफ नेताओं की शानो शौकत बढ़ाई जा रही है। जाहिर है ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिर ये दोहरा मापदंड है क्यों। आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। तंगहाली की बिसात पर बढ़ाई महंगाई, नेताओं को शानो शौकत की भी लत लगाई, सरचार्ज बढ़ाकर दिखाई राज्य की गरीबी, मगर नेताओं की ऐश तो दिखा रही रही सी। डबल कैरेक्टर में हरीश सरकार। सीएम हरीश रावत भले ही उत्तराखंड के बजट को गाढ़ गदेरे, गलगल और गन्ने का बजट कहें, लेकिन बजट से पहले सरकार ने सूबे के बाशिंदों को जो महंगाई का झटका दिया है उसने सरकार के अच्छे बजट के संदेश को धो दिया है। अब तो सरकार लकड़ी पर भी सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार ने करोड़ों के राजस्व का इंतजाम कर दिया है। इसके पीछे सरकार का तर्क वही सूबे की तंगहाली का है, लेकिन राज्य में नेता अधिकारियों के लिए जो सहूलियतों का ताना बाना बुना है उससे तो लगता है कि प्रदेश अमीरी में खेल रहा है। मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लाखों की लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम हो गया, लगभग सभी विधायकों को लाल बत्ती से नवाज दिया है, कांग्रेसियों को आए दिन दायित्व मिल रहे हैं, सीएम कार्यालय में कर्मियों और ओएसडी की संख्या 160 के पार हो गई है, तो कहाँ है तंगहाली? यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। एक राज्य की ये दो तस्वीरें क्यों? 40 मंत्री बनाने को है, लग्जरी कार खरीदने का फैसला कल ही किया। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इस तरह की लग्जरी दूसरे राज्य में है नहीं, जो दोनों हाथों से लुटाने का काम हरीश रावत जी कर रहे हैं। कितना बड़ा मुख्यमंत्री का कार्यालय है, 162 उनका पर्सनल स्टाफ है। कि हरीश रावत जी, एक पुरानी कहावत थी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लो और घी पियो, हरीश रावत जी के सरकार का ये नमूना है। नेता भले ही मौज में हो लेकिन सच ये है कि सूबा कर्ज की पास में फंसा है। इसी वित्तीय साल में सरकार बाजार से 5,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है और 4,000 करोड़ के कर्ज के लिए आवेदन किया है, जिसे सीएम के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि इस पर सीएम क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैं तो इस मामले में बड़ा कंजूस हूँ, मैंने तो दर्जाधारियों को बेचारों को जो है बड़ा सूखा सूखा रखा हुआ है, और जितनी कंजूसी थे मैं चला रहा हूँ, और मेरा भी उस्ताद, मेरा पार्टी का अध्यक्ष मिल गया है, वो कह रहे हैं सबके गनर भी विड्रॉ कर दो, जिनको दो मिलते थे पहले उनको एक में मैं ले आया, वो कह रहे हैं उसको भी वापस ले लो। तो हम तो खुद सावधान हैं, इसलिए उनको वो अपनी चिंता करें और हम राज्य की चिंता हमारे ऊपर छोड़ें, हम ठीक से देख लेंगे। सवाल ये नहीं कर्ज लिया, सवाल ये है कि उस पैसे का क्या किया, विकास में लगाए या सियासी उधार में। एक राज्य की ये दो तस्वीर इस सच से भी पर्दा उठता है और सियासत दानों के दोहरे चरित्र से भी। इधर आर्थिक तंगी का रोना, उधर मंत्रियों और अधिकारियों के लिए सुविधाओं की भरमार, इधर बजट कर रहित रहने का दावा, उधर जनता पर महंगाई का बोझ। ऐसे ही कई सवालों से प्रदेश की हरीश रावत सरकार घिरी है, इसलिए भाजपा भी सरकार पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ कर रही है प्रदेश की हरीश रावत सरकार। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।